हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग के बादशाह में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है स्पंजी रसगुल्ले कैसे बनाएं। ये रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ देख सकें और घर बैठे कुकिंग सीखने का मजा ले सकें। तो आते हैं आज की रेसिपी के ऊपर, जो है स्पंजी रसगुल्ले कैसे बनाएं। बंगाली रसगुल्ले ताज़ा छेना में अरारोट डालकर बनाए जाते हैं और बिना अरारोट डाले भी। अरारोट डालकर बने छेना रसगुल्ले थोड़े कम स्पंजी होते हैं, लेकिन स्वाद में बहुत ज़बरदस्त। छेना में बिना अरारोट डाले बनाए गए रसगुल्ले अधिक स्पंजी होते हैं। आज हम बिना अरारोट डाले बंगाली स्पंजी रसगुल्ले बनाएंगे, लेकिन समय बचाने के लिए इन्हें कुकर के अंदर डालकर उबाल कर बनाएंगे। स्पंजी रसगुल्ले बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। चीनी 300 ग्राम, दो नींबू और दूध 1 लीटर। स्पंजी रसगुल्ले बनाने की विधि। किसी बर्तन को थोड़ा पानी डालकर धो लीजिए और दूध डालकर गर्म करने के लिए रखिए। दूध में उबाल आने पर दूध को आग से नीचे उतार लीजिए और थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। दूध को 80% तक गर्म ही रहने दीजिए। नींबू के रस में जितना रस है उतना ही पानी मिला दीजिए। दूध में थोड़ा थोड़ा 1 टेबल स्पून करके नींबू का रस डालिए और मिक्स कीजिए। दूध को अच्छी तरह से फटने तक नींबू का रस डालिए और मिक्स करते जाइए। जैसे ही दूध अच्छी तरह फट जाए नींबू का रस डालना बंद कर दीजिए और फटे हुए दूध को किसी सूते साफ कपड़े में छान लीजिए। कपड़े को छलनी के ऊपर बिछाइए और नीचे कोई बर्तन रख दीजिए। फटे हुए दूध को कपड़े के ऊपर डालिए और फटे दूध से निकला पानी नीचे रखे बर्तन में आ जाएगा और छेना कपड़े में रह जाएगा। छेना के ऊपर 1-2 कप ठंडा पानी डालिए। छेना ठंडा भी हो जाएगा और छेना से नींबू का खट्टा स्वाद भी खत्म हो जाएगा। कपड़े को चारों ओर से उठाकर हाथ से छेना को दबाते हुए छेना से सारा पानी निचोड़ दीजिए और नरम नरम छेना बनकर तैयार है। छेना को किसी प्लेट में निकालिए, हाथ और उंगलियों से छेना को दबाते हुए पलट पलट कर 4-5 मिनट तक मल मल कर नरम और चिकना कीजिए। नरम किए हुए छेना को 10-12 भागों में बांट लीजिए। एक भाग उठाइए और हाथ से लड्डू की तरह दबाकर पहले उसे बाइंड कीजिए और अब गोल आकार देकर चिकना कीजिए। तैयार गोले को किसी प्लेट में लगाकर रखिए। सारे गोले बनाकर तैयार कर लीजिए। रसगुल्ले कुकर में पका लीजिए। कुकर में रसगुल्ले बहुत जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि खुले भगोने की अपेक्षा कुकर में तापमान अधिक हो जाता है। रसगुल्ले पकाने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। कुकर में चीनी और 4 कप पानी डालिए। उबाल आने दीजिए। उबाल आने पर छेना के बने गोले कुकर में एक एक करके डालिए और कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। कुकर में 1 सीटी आने के बाद आग मीडियम कर दीजिए और रसगुल्ले को 7-8 मिनट तक और पकने दीजिए। आग बंद कर दीजिए। किसी बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें कुकर को रखकर कुकर को ठंडा कीजिए या कुकर को नल के नीचे लगा दीजिए ताकि वह जल्दी से ठंडा हो जाए और खुल जाए। सावधानी से ढक्कन खोलिए। कुकर से रसगुल्ले चाशनी के साथ निकालकर किसी प्याले में रखिए और रसगुल्ले को ठंडे होने दीजिए। 5-6 घंटे के बाद रसगुल्ले अच्छे मीठे और स्वादिष्ट हो जाएंगे। ठंडे ठंडे स्पंजी रसगुल्ले परोसिए और खाइए। स्पंजी रसगुल्ले को फ्रिज में रखकर 7 दिन तक खा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी कि स्पंजी रसगुल्ले कैसे बनाएं। अगर आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर करने से उन लोगों के पास भी ये रेसिपी पहुँचेगी जिसकी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।